झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार की अहले सुबह ईडी की टीम आज धनबाद पहुंची और स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी रहे प्रमोद सिंह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि प्रमोद सिंह फिलहाल सरायढेला थाना क्षेत्र के सहयोगी नगर में रहते हैं। आज उनके धनबाद के 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। भूली के 2 जगहों एवं सरायढेला में प्रमोद सिंह के वर्तमान निवास पर छापेमारी चल रही है। भूली में पहले जिस आवास में प्रमोद सिंह रहते थे वहां भी टीम पहुंची है। फिलहाल प्रमोद सिंह भूली के उस क्वार्टर को छोड़कर अपना घर बनाकर सहयोगी नगर में शिफ्ट कर गए हैं। भूली के घर में उनका कोई रिश्तेदार रहता है। इसके अलावा प्रमोद सिंह के किसी कर्मचारी के भूली स्थित आवास पर भी छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है। प्रमोद सिंह जोड़ा पोखर सह झरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनुबंध पर ब्लॉक अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। उनके ठिकाने पर निगरानी ब्यूरो का भी रेड हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोयला कारोबार सहित अन्य धंधों में प्रवेश किया और अंकुश संपत्ति अर्जित की। एक साथ प्रमोद सिंह के 3 ठिकानों पर चल रही छापेमारी से धनबाद में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। पहले तो यह कंफर्म ही नहीं हो रहा था कि ईडी की टीम कहां पहुंची है, लेकिन धीरे धीरे मामला साफ हुआ कि ईडी की टीम स्वास्थ्य कर्मी रहे प्रमोद सिंह के ठिकाने को खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार आज सुबह 6 बजे एक साथ ईडी की टीम 3 जगहों पर प्रवेश की और जांच शुरू कर रही है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज पोस्ट। झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार की अहले सुबह ईडी की टीम आज धनबाद पहुंची और स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी रहे प्रमोद सिंह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि प्रमोद सिंह फिलहाल सरायढेला थाना क्षेत्र के सहयोगी नगर में रहते हैं। आज उनके धनबाद के 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। भूली के 2 जगहों एवं सरायढेला में प्रमोद सिंह के वर्तमान निवास पर छापेमारी चल रही है। भूली में पहले जिस आवास में प्रमोद सिंह रहते थे वहां भी टीम पहुंची है। फिलहाल प्रमोद सिंह भूली के उस क्वार्टर को छोड़कर अपना घर बनाकर सहयोगी नगर में शिफ्ट कर गए हैं। भूली के घर में उनका कोई रिश्तेदार रहता है। इसके अलावा प्रमोद सिंह के किसी कर्मचारी के भूली स्थित आवास पर भी छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है। प्रमोद सिंह जोड़ा पोखर सह झरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनुबंध पर ब्लॉक अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। उनके ठिकाने पर निगरानी ब्यूरो का भी रेड हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोयला कारोबार सहित अन्य धंधों में प्रवेश किया और अंकुश संपत्ति अर्जित की। एक साथ प्रमोद सिंह के 3 ठिकानों पर चल रही छापेमारी से धनबाद में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। पहले तो यह कंफर्म ही नहीं हो रहा था कि ईडी की टीम कहां पहुंची है, लेकिन धीरे धीरे मामला साफ हुआ कि ईडी की टीम स्वास्थ्य कर्मी रहे प्रमोद सिंह के ठिकाने को खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार आज सुबह 6 बजे एक साथ ईडी की टीम 3 जगहों पर प्रवेश की और जांच शुरू कर रही है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज पोस्ट।